दोस्तों क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर मिनट लगभग 17 लोग मरते हैं कैंसर के कारण. इजंट इट शॉकिंग. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में. क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट कैंसर ग्लोबली एट द ग्लोबल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे UICC यानी कि यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने वर्ल्ड कैंसर डे ऑर्गेनाइज किया है. और अकॉर्डिंग टू UICC जो लोग इंटरनेशनली या फिर ग्लोबली सफ़र कर रहे कैंसर से उन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस टू प्रिवेंट कैंसर टू ट्रीट कैंसर और अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है. दोस्तों हम कैंसर को मिलके भगा सकते हैं, हम कैंसर को मिलके प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें कैंसर के बारे में. हर एक व्यक्ति हर एक इंसान जो हेल्दी है और जो अनहेल्दी है या फिर जो सफ़र कर रहा है कैंसर से, अगर हम उनके दिल में उनके मन में कैंसर के अगेंस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करें तो हम कैंसर को आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, अगर हम इलनेस को प्रिवेंट करें यानी कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र होते हैं उस लेवल को उस रेशियो को अगर हम कम करें तो हम कैंसर को बीट कर सकते हैं. थर्ड थिंग, जो भी डेथ रेट है बिकॉज ऑफ कैंसर वो डेथ रेट को हम कम करने में अगर कोशिश करें तो हम कैंसर को कम कर सकते हैं. तो दोस्तों कैंसर को प्रिवेंट करने में, कैंसर को ट्रीट करने में या फिर कैंसर को भगाने में हर एक स्तर पे प्रयत्न किया जाते हैं. यानी कि ग्लोबली बात करें तो WHO है, UICC है, अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है. तो हर तरीके से कैंसर को भगाने के लिए कैंपेन्स रन किए जाते हैं. और हाल ही में 2019 में एक कैंपेन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आई एम एंड आई विल एम्पावर्स द कॉल टू एक्शन. यानी कि मैं हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं कैंसर के बारे में बोलूँगा. आई एम एंड आई विल ये कैंपेन एक कॉल टू एक्शन है, एक पर्सनल कमिटमेंट जो इम्पैक्ट करेंगी फ्यूचर को. आज से फ्यूचर को इम्पैक्ट करने के लिए एक पर्सनल कमिटमेंट है ये कैंपेन से. तो ये कैंपेन 3 इयर्स का कैंप क्यों रखा है, इसके पीछे एक मुख्य रीज़न है. अगर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी कैंपेन ज़्यादा दिनों तक अगर वो रहे तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा दिनों तक रहेगा. अगर ये थोड़े दिन मंथ्स के लिए, एक मंथ के लिए या 3 मंथ्स के लिए या फिर 12 मंथ्स के लिए भी होता तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता. इसलिए ये कैंपेन 3 इयर्स का रखा है. 2019 में इसे लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे. सो एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आई ऑल्सो चैलेंज यू ऑल गाइज टू पार्टिसिपेट इन दिस कैंपेन विच इज आई एम एंड आई विल गिव अ पर्सनल कमिटमेंट टू इम्पैक्ट द फ्यूचर. अगर आप इंसान हो, अगर आप हेल्दी हो तो आपको बोलना है कैंसर के बारे में, आपको सतर्क रहना है कैंसर के बारे में, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है कैंसर के बारे में. अगर आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, हर एक इंसान जिससे आप प्यार करते हो, हर एक इंसान सभी के मन में कैंसर के बारे में हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है. और हम अगर जुड़ के मिल के इस चीज़ में काम करें तो ज़रूर हम कैंसर को भगा सकते हैं. दोस्तों अगर कैंसर का डायग्नोसिस जल्दी निकाले, उसको अच्छी सी ट्रीटमेंट दे और उसको अच्छी पैलेटिव केयर दिया जाए तो कैंसर को ट्रीट करना नामुमकिन बिल्कुल ही नहीं है. ऑन द ओकेजन ऑफ दिस कैंसर डे 4 फरवरी 2019 आई चैलेंज यू ऑल पीपल टू स्पीक आउट अबाउट कैंसर. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के बारे में बोले यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें एट द ग्लोबल लेवल तो देर इज़ अ लॉट ऑफ हाई चांसेस टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर. एज आई हैव मेंशन इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो अबाउट 17 पीपल डाई एवरी मिनट बिकॉज ऑफ कैंसर. इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग फॉर द ह्यूमैनिटी. तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और आपके जो भी रिएक्शंस हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.